नमो टीवी पर बीजेपी को चुनाव आयोग से लगा झटका। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर नमो टीवी से सभी सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। मुस्लिम मतदाताओं से अपील पर मायावती भी गिरी, आज चुनाव आयोग को देंगे जवाब। बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों से वोट मांगी थी मायावती। अली और बजरंगबली वाले बयान पर फंसे सीएम योगी को आज चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। सीएम योगी ने मेरठ में रैली के दौरान इस्लाम में अली और हिंदू के बजरंगबली के बीच मुकाबले से की थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज मुलायम सिंह यादव पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव ग्रांट योजना पर रोक लगाई जाए या फिर चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक की जाए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न, 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर डाले गए वोट। पहले चरण में कुल 63% हुई वोटिंग। पीएम नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक दौरा, चुनावी रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज तमिलनाडु दौरा, तमिलनाडु में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, आज पीएम मोदी के नामांकन की तैयारी का लेंगे जायजा। सीएम योगी भी साथ में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के मामले में सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को एसडीएम ने भेजा नोटिस, 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। नवरात्र का 7वां दिन आज, मां कालरात्रि की आज पूजा अर्चना हो रही है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।